लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज हम एक LED TV रिपेयर करेंगे जिसका मॉडल नंबर आप देख लिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट। ये देखिए, इसमें रेजिस्टेंस छोटे वाले सभी जल चुके हैं। ये देखिए जल चुके हैं, ये इसका जम्फर भी जल चुका है ये, और ये इसका ट्रांजिस्टर है या मॉस्फेट भी कह सकते हैं इसे। इसको मैंने चेक कर लिया है मल्टीमीटर से और ये शॉर्ट है। तो अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे हार्ड गन से या तो आयरन से। ये हमने इसको आयरन से ही निकाला है बाहर, ये आप देख सकते हैं सावधानी से। और इसकी जगह अब हम ये 465T का एक मॉड्यूल सप्लाई, इसको कहते हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं प्लस वाला तार है, प्लस क्या इसको कहते हैं, रेड वाला वायर है। डायोड के पॉजिटिव देना है और कपलर के एक पिन पे ये वाइट वाला देना है, और पीला वाला मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर का उसके ड्रेन पे देना है, और ये हरा वाला कैपेसिटर के पॉजिटिव देना है और काला वाला निगेटिव पॉइंट पे देना है। ये आपको देख सकते हैं जी, ऐसे इसे अटैच सोल्डिंग कर देना है इसको, और ये हमारा मॉड्यूल लग के तैयार हो चुका है। ये हमारा मॉड्यूल लग के एकदम रेडी हो चुका है, ये काला वाला निगेटिव पॉइंट ये आप देख सकते हैं, वाइट वाला कपलर पे लगा हुआ है। और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो अब इसे मेन लाइन हम देंगे इसे, तो देखते हैं मेन लाइन देख इसको क्या होता है। और ये देखिए, मेन लाइन देने पर रेड लाइट इसकी ऑन हो गई ये, तो ये बटन बहुत दिन से ऑन नहीं हो रहा था, तो बटन दिक्कत है क्योंकि रिमोट से चल रहा, तो इसलिए जल्दी ऑन नहीं होगा बटन से, तो इसको हम बटन से ऑन करेंगे। अब ये देखिए TV ऑन हो चुका है, ये देखिए TV ऑन हो चुका है, तो हमारा मॉड्यूल सप्लाई ओके हो चुका है और ये TV ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल सप्लाई कैसे लगाया जाता है, ये देखिए आप अच्छी तरह देख लीजिए मॉड्यूल सप्लाई कैसे लगाया जाता है। ये एकदम ओके, मॉड्यूल सप्लाई एकदम ओके लग चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें बांध देंगे और हमारा TV ओके हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, पूरा